हेलो दोस्तों, दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा आपत्ति का होती है जब ग्राहक उधारी लेने लगते हैं। तो इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। चलिए आपको इसी विषय पर आज चर्चा करके बताते हैं कि दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा नुकसान किस में होता है और उनका दुकान किस तरह से ठप हो जाते हैं। मैं बता दूँ कि दुकानदारों को उधारी ही मार देती है उनके दुकान, खासकर ऐसे क्षेत्र जहाँ भारी मात्रा में लोग रहते हैं, उसी क्षेत्र में दुकान चलता है। लेकिन अगर दुकानदारी उसी क्षेत्र में उधारी होने लगे तब दुकानदारों की दुकान ठप हो जाती है, इसलिए दुकानदारों को भारी नुकसान पहुँचाना पड़ता है और उनकी दुकान बंद हो जाती है। उधारी लेने वाले क्या बोलते हैं कि भैया उधारी दे दीजिए, आपको कल दे दूँगा। लेकिन क्या करते हैं ना, तो वो कल उनका सामान का पैसा दे पाते हैं और अगले दिन से वो कस्टमर उस दुकान से में आना ही बंद कर देते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि दुकानदारों को ये समझ लेना चाहिए कि उधारी उन्हीं ग्राहकों को दें जो रोज़ उनके पास सामान लेने आते हैं और जो पिछला बकाया राशि जमा करके जाते हैं। ऐसे ही ग्राहकों को उधारी दें ताकि उनका दुकान ही बना रहे। और जिन ग्राहकों को ऐसे ग्राहकों को ना दें उधारी जो कभी कभार दुकान में आते हैं और आपसे भारी रकम के सामान ले जाते हैं और आपके दुकान पे आना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को सामान ना दें ताकि अपना दुकान का सामान भी सुरक्षित रहे और जो भी बिके वो आपके पास नगद वापस हो और आपके दुकान में उधारी कम हो जाए। ऐसे लोगों को तो उधारी देना ही नहीं चाहिए। खासकर क्या होता है कि उधारी तो दे देते हैं लेकिन उधारी लेने के बाद ग्राहक आपके दुकान में नजर नहीं आते हैं और आपसे सामान लेना बंद कर देते हैं, तो आपका जो सामान का राशि रहता है वो जाम हो जाता है और आपके ग्राहक भी छूट जाते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि उधारी उन्हीं लोगों को दें जिनके पास आपके पास रोजाना सामान लेने आते हों और जो आपसे हमेशा सामान लें। ऐसा होने से आपका दुकान हमेशा चलता रहेगा और आपको भी दो पैसा मिलते रहेगा और आपके कस्टमर हमेशा बने रहेंगे। कस्टमरों को, खासकर ऐसे कस्टमर हैं जो हमेशा आपके विश्वास पात्र हैं, जो उधार देना चाहिए सामान। हालांकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि भैया अभी दे दीजिए, अभी मेरे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे घर में मेहमान आए हैं, तो आप दे दीजिए सामान। अब क्या करते हैं, सामान लेके चले जाते हैं और पता है उनके घर में मेहमान आए हैं कि नहीं आए हैं, आपसे भारी रकम का सामान ले जाएंगे और फिर वो आपकी दुकान में आना बंद कर देंगे। ऐसे बहुत सारे ग्राहक रहते हैं दुकानदारों के पास। अब क्या बताएं, मतलब हर किसी को तो दुकान वाले को तो यही रहता है कि मेरा सामान बिके और ज़्यादा सामान बेचने के चक्कर में भी उधारी दे देते हैं, जिससे ग्राहक उनसे भाग जाते हैं और उनका पैसा भी फंसा रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दुकानदार ज़्यादा उधारी देने के चक्कर में ज़्यादा उधारी दे देता है और सामान लाने के समय उसके पास पैसे कम बचते हैं, जिससे उनका दुकान बंद होने के कगार पर आ जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ऐसे ग्राहकों को उधारी दें जो हमेशा आपके पास डेली आएँ और आपसे सामान क्रय करें। हो सके तो दुकानदारों को नगद ही सामान दें, उधार का काम बंद करें। मैं तो कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक दुकानदार किसी भी कस्टमर को उधारी ना दें, ये मेरा कहना है। अब क्या है, आगे क्या होगा देखेंगे। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर कभी कभी सोचता है कि मैं इनके पास सामान, और खासकर नए दुकानदारों के पास ज़्यादा कस्टमर इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा उधारी ले लेते हैं। नए नए दुकान देखते हैं, वहाँ जाते हैं कस्टमर और उनसे ज़्यादा सामान लेते हैं और उनको ना ही उनका उधारी का पैसा बकाया जो रहता है वो देते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके उस दुकानदार को छोड़ देते हैं। और वो बहुत सारे दुकान जो सामान लेने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, नए नए दुकान खोलते जाते हैं, वहीं से सामान उठाते जाते हैं, उनका उधारी फिर बकाया रह जाता है, फिर दूसरे नए दुकानदार रहते हैं उनसे उठाते हैं। इसी तरह से करके उनका काम ही रहता है, किसी एक दुकान से उधारी लिए उसका सामान लेना बंद कर दिए, दूसरे दुकान से उधारी लिए उनका सामान लेना बंद कर दिए। ऐसे में होता है कि जैसे कि दुकानदारों का वो दुकान ही बंद करवाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे कस्टमर रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ दुकानदारों को ये सोचना चाहिए कि दुकान ऐसे दुकानदारी करें कि लोगों को कुछ उधार भी दें और कुछ नकद भी दें ताकि उनका दुकान हमेशा चलते रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों इस बारे में और वीडियो में कमेंट करिए और क्या क्या और क्या करना है कि जाके दुकान हमेशा चले और जो उनके जो कस्टमर हैं वो हमेशा बने रहें और उन्हीं से सामान लें, उन्हीं से उधारी लें। आप वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों,
तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेके। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार,